दो दो बजे तक ठेके खोले रखने, ये आपकी सोच थी? मगर केवल राम लगा नाम के आगे राम लगाने से प्रदेश राम राज्य नहीं बनने वाला है। कि औरों की बैसाखियों पे चलना छोड़ दीजिए। कभी उड़ता पंजाब कहा जाता था, आज उड़ता हिमाचल का हमको खिताब जो है वो बहुत जल्द मिलने वाला है। प्रदेश की जो ठन ठन गोपाल परिस्थिति है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर कैप लगा दिया है। कम उम्र में अपना नाम बनाने वाले टिक्का के नाम से प्रसिद्ध विधानसभा के सबसे नौजवान विधायक और 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह सरकार को सदन में नसीहत देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने सदन में, आइए एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को उड़ता हिमाचल का खिताब देने की बात कही गई। आइए देखें कि किस तरह से खिताब को देने की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन हिमाचल प्रदेश। ड्रग्स के बारे में कभी उड़ता पंजाब कहा जाता था, आज उड़ता हिमाचल का हमको खिताब जो है वो बहुत जल्द मिलने वाला है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 50-60% यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट्स है, या तो वो कंज्यूमर्स है या पेडलर्स है या जो है वो ड्रग्स को का सेवन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके बाद मंडी में चार धाम मनाने को लेकर बात हुई। अगर वो चार धाम बन जाता तो उस पर उन्होंने क्या टिप्पणी रखी, ये भी जानिए। और साथ ही साथ अभी पीछे एक बहुत बड़ा मंडी के अंदर जो चार धाम बनाने की बात करी गई थी, ये भी मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा पेट प्रोजेक्ट है। अगर वहां बनेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, मगर उसका भी अभी तक जमीन स्तर पे ना कोई कार्य शुरू हुआ है, ना उसका कोई टेंडर फ्लोट हुए है, ना उसके बारे में कोई बैठक हुई है। तो निश्चित तौर से आई ओनली वॉन्ट टू से दैट यू कैनॉट बी ऑलवेज डूइंग ऑल द गुड थिंग्स, बट द गवर्नमेंट हैज टू सेट अ प्रायोरिटी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद सुलझे हुए नेता की तरह विक्रमादित्य सिंह ने सत्ताधारी सरकार को नसीहत देना शुरू कर दिया कि उन्हें इन 2-2.5 सालों में क्या कुछ करना चाहिए था जिससे जनता खुश हो पाए। वो प्रायोरिटी सरकार की क्या है, टूरिज्म सेक्टर में हमने कितना निवेश अपने 5 साल में लाना है। एंड लेट मी टेल यू माय ऑनरेबल फ्रेंड सिटिंग इन द ट्रेजरी बेंचेस दैट इट इज ओनली इन द फर्स्ट 2-2.5 years दैट यू कैन कंसीव ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। 2-2.5 साल आपके बीत गए, उसके बाद आप कितने लोगों के बीच में जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहिए, वो कभी भी जो है जमीन स्तर पर उतरने वाली नहीं है। द इंटेंट और दी आपका जो एक सोच या नजरिया है वो आपके पहले 2.5 साल में ही आपका जो है वो नजर आता है। वो समय आपका आस्ते आस्ते बीत रहा है। आप प्रदेश को राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, मगर केवल राम लगा नाम के आगे राम लगाने से प्रदेश राम राज्य नहीं बनने वाला है। उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। फिर बात आई योजनाओं की और कहा कि सरकार ने 2 सालों में आखिर किया ही क्या है, पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी। आखिर क्या मतलब था इनका इस बात से, ये भी जानिए। चाहे वो टूरिज्म की बात हो, अभी यहाँ पे बहुत सी स्कीम्स के बारे में बात की गई कि हमने हिमाचल प्रदेश ग्रीनी सुविधा शुरू कर दी, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प शुरू कर दिया, हिम प्रगति पोर्टल शुरू कर दिया, सीएम चिकित्सा सहायता कोष शुरू कर दिया। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जरूर है कि नई बोतल में आपने जो है पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी वो अलग बात है, आपने उसकी नई स्कीम्स को नया बना दिया वो अलग बात है, बट एज वी नो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस इन कंटिन्यूटी। इसके बाद विक्रमादित्य ने सरकार को 2 टूक शब्दों में कहा कि ये जो आप लाखों के वोटों के जीतने की बात करते हैं ये आपकी वजह से नहीं है, ये मोदी की वजह से आपको इतनी बड़ी जीत मिली है। खैर, इस बात के कहने पर विरोधी के स्वर भी उठे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह बिल्कुल भी ना रुके। जो पुरानी स्कीम्स हमारे समय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चली हुई थी या खेत संरक्षण योजना चली हुई थी, उसका आपने थोड़ा सा बजट बढ़ाया है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। ये और किसी आपने स्कीम्स में बजट बढ़ाया है उसका हम स्वागत करते हैं, बट आई एम टॉकिंग ऑफ द होलिस्टिक व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। आपकी क्या बड़ी अचीवमेंट है, व्हेन यू विल गो टू द पीपल इन द नेक्स्ट 2.5 years टू सीक योर फ्रेश मैंडेट, व्हाट विल बी योर न्यू विजन, व्हाट विल बी द थिंग्स दैट यू विल से कि हमने ये बड़ा काम हिमाचल प्रदेश के लिए किया है। केवल मोदी जी का गुणगान करने की वजह से अभी यहाँ पे बड़े भाई पठाना जी कह रहे थे कि 4-4 लाख से हम जीत के गए हैं। माई डियर, Let me remind you that this mandate was not for you. This mandate was not for the people sitting in the treasury benches. If this mandate was at all
इट वॉज फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नॉट फॉर पीपल सिटिंग इन द ट्रेजरी बेंचेस। ये आपको मैं ये इसलिए ये बात कह रहा हूं कि औरों की बैसाखियों पे चलना छोड़ दीजिए, औरों की बैसाखियों पे चलना छोड़ दीजिए। आपका खुद का क्या विजन है, आपका खुद हिमाचल प्रदेश के लिए क्या सोच है, उसके बारे में आप यहाँ पे हमें बताइए। बात आई कर्जे और ऋण की, तो टिक्का साहब ने प्रदेश सरकार को ठन ठन गोपाल बताया और उसके बाद जो 15वें वित्त आयोग से पैसा मिला है उसका सीधा सीधा श्रेय कांग्रेस पार्टी को दिया। जानिए क्या कहना था इनका उस पर। प्रदेश की जो ठन ठन गोपाल परिस्थिति है, आप रोज अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, कभी 1000 करोड़ का ऋण लिया जा रहा है, कभी 200 करोड़ का, कभी 300 करोड़ का। ये नौबत आ गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर कैप लगा दिया है कि आप 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन जो है वो इस वित्तीय वर्ष में नहीं ले सकते हैं। आप धन्यवाद कर रहे हैं कि 15 वित्त आयोग में हमको जो है 19,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेट मी रिमाइंड यू, इट इज बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन द स्टेट दैट वी हैव बीन एबल टू रिसीव दिस मनी। इट इज बिकॉज ऑफ अफॉरेस्ट्रेशन, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग sustainable and ecological steps that have been taken by Veerbhadra Singh government in the state that we have got this money। आबकारी नीति में लिए गए फैसले जिसका जनता ने खूब विरोध किया, उस पर टिक्का ने खूब खरी खोटी सुनाई और सलाह भी दी कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था और सरकार से पूछा कि 2-2.5 साल में आखिरकार किया क्या है और साथ ही धड़ाधड़ प्रश्नों की झड़ी भी लगा दी। आप भी देखिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्यों ये पैसा मिल रहा है, हमको ये क्यों नौबत आ रही है कि हम बारी बारी कभी 15वां वित्त आयोग के पास, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पैसा ले आने की बात कर रहे हैं। आपके इस गवर्नर स्पीच में इज देयर एनी मेंशन ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन अदर देन आपका जो आपने शराब का दाम कम कर दिया, उसके अलावा एक भी मेंशन है इज देयर एनी वन इनोवेटिव आइडिया ऑफ हाउ यू विल मोबिलाइज रिसोर्सेज इन द स्टेट। मुख्यमंत्री जी फ्रॉम डे वन ही हैज बीन स्टेटिंग दैट आई वॉन्ट टू कट डाउन ऑन एक्सपेंडिचर्स, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। ये आपकी सोच थी, 2.5 साल के मंथन के बाद आपने शराब सस्ती कर दी, ये आपकी सोच थी? क्या आपकी सोच थी कि आपने 2-2 बजे तक ठेके खोले रखने, ये आपकी सोच थी? आपके पास हिमाचल प्रदेश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट्स विद हाईएस्ट डेंसिटी फॉरेस्ट इन द कंट्री। हिमाचल प्रदेश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आपने कैसे कैपिटलाइज करना है, कैसे प्रदेश से ज्यादा आपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से आपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। आप बात करते हैं कि हमने रोजगार पैदा करना है, क्या इसमें कोई आपने मेंशन किया कि आप हिमाचल प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या आपने सीए स्टोर को बढ़ाने के लिए इसमें कोई पैसा दिया? इस बारी हिमाचल प्रदेश में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर के लिए जो है एप्पल इकोनॉमी का बहुत अच्छा इस बारी जो है वो रहा है। वो अलग बात है कि आपका एक किन्नौर का नेता कहता है कि मुख्यमंत्री जब से बने तब से बर्फ जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, ये सोच आप लोगों की है। क्या आपने आज तक ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम सीए स्टोर्स को बढ़ाना देना चाहते हैं या हम सब्सिडी जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए देना चाहते हैं? और जिस तरीके से जो आपके अदानी है, जिस तरीके से जो आपके फूड ट्रेडर एजेंट्स है, वो जो हिमाचल प्रदेश के बागवानों को लूट रहे हैं, एक एक साल की 2-2 साल की पेमेंट उनको जो है डिले होकर आ रही है, क्या आपने इसके बारे में इस अपनी सो कॉल्ड कथित जो आपकी ये बंदारू आपकी जो गवर्नर एड्रेस है इसमें कोई मेंशन किया? ये चीजें हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है माय फ्रेंड्स, दैट वी डोंट, हमको जो है केवल लोगों को एक अच्छी पिक्चर देने के लिए जो है ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लाने की आवश्यकता नहीं है। के बाद टिक्का साहब ने एसएमसी टीचर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में बात रखी और जब अध्यक्ष साहब ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो सकारात्मक तरीके से अपनी वाणी को विराम दिया। आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ज्यादा सराहती, आपका धन्यवाद करती अगर आप प्रदेश की अच्छी पिक्चर, सही पिक्चर, जो जमीन स्तर पे आपकी जो आपका जो परिस्थितियां हैं उसको आप इस डॉक्यूमेंट में दिखाते तो आपका
प्रदेश की जनता आपका धन्यवाद करती। आपने जो वादे आपके विधानसभा चुनावों में किए, एसएमसी से किए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय से किए, और पता नहीं कितने पैरा टीचर से किए, वो सारे के सारे वादे निर्धारित समय पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री कोई और है, उस समय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कोई और थे, उन्होंने तो घोषणाएं कर दी, अब वो लाइबिलिटी आप लोगों की है। यू हैव टू फुलफिल दोज प्रोमिसेज दैट यू डिड इन द लास्ट इलेक्शंस, उनको आने वाले समय में आप लोगों ने पूरा करना है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा, आई बिलीव इन पॉजिटिव पॉलिटिक्स। मैं केवल ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन में विश्वास नहीं रखता हूं। अगर इसमें कुछ अच्छा कार्य प्रदेश हित में किया होता, आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन इन द ऑपोजिशन टू सपोर्ट दिस डॉक्यूमेंट, बट दिस इज नथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को बिफूल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट यहां पे लाया गया है, और मैं आई एम कॉन्स्ट्रेंड टू नॉट सपोर्ट दिस डॉक्यूमेंट। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।